नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। दुधवा के सघन वन क्षेत्र में तेंदुए की हुई मौत, नहीं थम रहा है वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के सघन वन क्षेत्र में मिला मृत तेंदुए का शव, जिसे डॉक्टरों के पैनल ने प्रथम दृष्टता वाघ व तेंदुए का आपसी संघर्ष होना बताया है। बताते चले कि लगातार हो रहे वन्य प्राणियों की मौत से नहीं सबक ले रहा है पार्क प्रशासन। इससे पहले भी पिछले वर्ष तेंदुए व गेंडे समेत कई वन्य जीवों की मौत हुई थी, जिसका सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब से दुधवा में पार्क उपनिदेशक मनोज सोनकर का स्थानांतरण हुआ है, तभी से ही आपसी विचार न मिलने के कारण पार्क कर्मियों व डीडी में कई बार अनबन हो चुकी है। पार्क कर्मी हट धर्मिता के चलते कई बार डीडी मनोज सोनकर के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, जिसके चलते दुधवा पार्क खुलने से पूर्व ही डीडी एक माह के लिए छुट्टी पर चले गए थे। डीडी के छुट्टी पर जाने से अर्धपूर्ण कार्य के बीच पार्क को खोलना पड़ा, जिससे आए दिन हल्की फुल्की बरसात के चलते पार्क कई बार बंद भी किया गया है।